ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और अब आप सोच रहे होंगे मैं 2 दिन से मैंने ये कॉन्करर पुशिंग की वीडियो क्यों नहीं डाली, इसका भी रीज़न मैं आगे बताऊंगा। तब तक आप मेरा ये वाला गेम प्ले देखिए। 2 दिन से एक्टिव ना होने की वजह से कहीं आप इस वीडियो पे लाइक कम मत कर देना, डिसलाइक भी मत दे देना कहीं। और सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये मेरी वीडियो अब तक जा नहीं रही है। कुछ तो बताओ, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसकी नोटिफिकेशन उड़ जाए। आज भी मैं रोज़ों का आया हूँ और इसमें वीडियो में आपको बताऊँगा भी कि हाउ टू होल्ड लास्ट जोन, लास्ट जोन कैसे होल्ड करना है। और इसमें फनी फनी सीन भी है, वो भी देखते हैं। तब तक चलते हैं गेम की तरफ। यहाँ मेरे को यूजी मिली और यहाँ बंदा मेरे को परेशान कर रहा था, अब उसे देखो कैसे मारा है। लो भाई, इसके तो भाई यूजी से ही पेटी पैक कर दी, पता नहीं किस नशे में था। दीवार बना के भाई बंदा, ये नहीं कि थोड़ा इधर उधर होके मारूँ, सीधा मुंह के सामने आ गया। अब दूसरा बंदा मैं यहाँ मारने के लिए आया। हाँ सो बात ये है गाइज कि मैं एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर हूँ, कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में रहता हूँ, इसलिए मैंने रैंक पुशिंग बंद करी। क्योंकि मैं 1v1 की फाइट हार रहा था, रैंक पुशिंग करना पड़ रहा था। ये तो वर्ल्ड लेवल प्लेयर भी नहीं है, अब बस ग्राइंड कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं। सो इस वजह से मैंने रैंक पुशिंग बंद कर दी, क्योंकि T1 चल रहे हैं मेरे अभी, T1 कस्टम जैसे कि, तब मैंने रैंक पुशिंग बंद करी। अब अगले महीने देखते हैं, कुछ ना कुछ होगा तो मैं करूँगा रैंक पुशिंग। बाकी आप वीडियो में बने रहना, कभी ये नहीं कि आप सोचो कि भाई ये बंदा डर गया, डरा वरा नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ये थी कि 1v1 की फाइट हार रहा था मैं, क्लोज मेरा ख़राब हो रहा था। बेशक मिड बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन क्लोज मेरा डिसएडवांटेज हो गया था, फाइट नहीं ले पा रहा था मैं, इंगेज नहीं कर पा रहा था। यानी कि एक साथ पता है कितने छोटे छोटे जोन में ना 18-18, 19-19 बंदे जिंदा हो रहे थे। तो अगर मैं किसी से क्लोज फाइट लूँ तो दूर से पड़ रही। अब पता है मेरे को कई लोग बोलेंगे भाई तू अब इतना लो प्लेयर बनता है तो फिर मारता क्यों नहीं बंदे। बंदे गाइस देखो, होल्ड करना बहुत मुश्किल है एंड जोन में, क्योंकि जोन टू जोन जाना पड़ता है, जिसका पहले जोन उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। सो इसलिए मैंने रैंक पुशिंग बंद करी। अब रैंक पुशिंग इसलिए ही बंद करी ना मैंने, क्योंकि T1 कस्टम भाई खेलने पड़ते हैं, सारा टीम का प्रेशर हमारे ऊपर है कि भाई तू अब क्यों कॉन्करर पुश कर रहा है, जब आया था तब करता ना, इस वीक से हमारे ये चालू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो खूब डांट पड़ी मेरे को, इसलिए मैंने अभी बंद कर दिए। अगले महीने जहाँ तक है मैं डुओ पे पक्का पुशिंग करूँगा। इस सीज़न तो कर लूँगा कैसे भी, लेकिन उसकी वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बट नेक्स्ट वीक मंडे से मेरी डेली आएगी वीडियो, वो भी टीडीएम बोलो, सॉरी मोंटाजेस की। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, मुझे खुद नहीं पता चला मेरे को कब कब गोलियाँ पड़ गई, और वो बंदा शायद हैकर ही था, जिस तरीके का उसका स्प्रे देखना ध्यान से, मतलब क्या। और इस ये देखो 4x स्प्रे चमकाएगा अपना, नो की केड़ी है भाई, बंदे ने मारा कैसे मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा। आप बताना गाइस कैसा है क्या नहीं है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया बंदे ने क्या करा क्या नहीं। उस गेम प्ले के बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक बंदे को टॉमी से ही पेल दिया, पहले उसे अंधा करके भाई, इसको भी ड्रॉप शॉट दे दिया। अब आगे देखना गाइस, दो बंदे ऐसे क्या वो कैंप क्या बोलो, उन्होंने भाई टीम अप कर रखा है। यार सोलो में तो टीम अप मत करो भाई, यहाँ 1v2 करने में हालत ख़राब हो जाती है, और तुम लोग आ गए भाई। ये देखना, यहाँ पे तो पहले एक मैं बंदे को मारूंगा, अब इसको मारने के बाद वो जो उधर वाली लेफ्ट वाली बिल्डिंग है ना, उसमें देखना दो बंदे कैसे कैंप करके बैठे हैं यहीं पे ही। मैं कई देर तक सोचता हूँ मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने जंप करा। अब मैं सोचूंगा अब मैं ना यहाँ से नेड़ मारूंगा, उल्टा मेरे ऊपर ही नेड़ आ जाएगा। यहाँ जो फनी सीन हुआ ना गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद हंसी आ रही है, अभी मैंने कितनी नूपंती करी है। मतलब ये हुआ क्या, नेड़ ऊपर गया नीचे गया, कुछ समझ में ही नहीं आया, वो भी पिट गया। देखो उसका साथी जो टिबो था, यहाँ से चालू होता है हमारा लास्ट जोन वाला सीन। यहाँ पे देखो जोन कितना छोटा बना और बंदे, पहले तो ये बंदा आया मेरे पे रस करने, इसे बहुत ध्यान से मारा मैंने, अगर नहीं मारता ना तो ये मेरे को ही पेल देता। नेड की आवाज सुनने के बाद ही बंदा इतना ढीठ भाड़ दिया, वो उल्टा स्मोकर कर दिया मेरे ऊपर, बम फूटा अब ये भी फूटेगा।
बस भाई खाता खुल गया इसका और पेल दिया इसे। बहुत देर के बाद हम यहाँ होल्ड करके बैठे हैं सामने वाले पार्ट में, लेकिन स्कारल सिक्सेस करती है। इतने में देखना साइड से मेरे पे एक बंदा पुश कर रहा है, जोन भी चल रहा है जैसा आप देख सकते हो। ये बीआरडीएम वाला आया, ये नहीं होता लेकिन वो एक्चुअली दूसरा होता है। अब मैं नीचे कूद जाता हूँ, देखना क्या मारा मैंने इसे। भाई ड्रॉप शॉट दे दिया था बंदे ने। अब देखो मेरे को जोन जाना है गाइस, यहाँ पे सबसे मेन बात यही पड़ रही है जोन की। आप देख सकते हो अभी भी 9 बंदे अलाइव एकदम छोटे से जोन में, क्या हालत हो रही है। क्योंकि उसमें पता मेरा फोन भी हल्का हल्का ना लैग होने लग गया था, ऐसा सीन हो गया। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना सोलो का पीएमसीओ चल रहा है, इतनी हंसी आ रही थी गाइस ये मैच देख के। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता रहा ना होल्ड, लेकिन मैं चिकन नहीं निकल पाता, मैं पहले बता रहा हूँ इसको। क्योंकि एंड में भाई पता नहीं किस नशे में मैंने बंदे के ऊपर ग्रोजा तो चलाई, लेकिन उसने M762 से भेज दिया। यहाँ पे मेरे को ना चार तरफ से गोली चल रही और यहाँ पे देखो जोन भी चल गया, फिर मैंने स्प्रे चॉक कर दिया। अब जोन में जाऊँगा, साइड से पड़ेगी लेकिन मैं अपने में बना लेता हूँ। अब देखने से मैं कैसे मारूंगा ये बिना और खत्म। अब यहाँ पे बचे हैं टोटल 3 बंदे, 3 बंदे को तो मैं मारेंगे, पता पता नहीं क्या होता है मेरे से अलग ही चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब देखो सामने भी एक बंदा है वहाँ पे, देखो मेरा गाइस उसे दिख रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तब भी मेरे को मारने को तो लाया, कोई बात नहीं इसे तो पहले। लेकिन आखिरी वाला ना गाइस मुझे ही पहल देता था उल्टा, मैं तो समझ नहीं पाता मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं वो सीन नहीं दिखा रहा, वरना आप बोलोगे क्या खेलता है तू। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए कि आपको मैंने बताया होल्ड जोन को कैसे करना है। एंड में आपके पास अगर आप यूनिक पावर यूज़ कर रहे तो प्लीज़ आर्टिक रून को हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि एक ऐसी पावर है ना, आप अगर सोलो खेल रहे हो तो आपका ये बोलना बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपके हर जगह में काम आएगी। 3 वॉल खड़ी होती है लगातार एक बारी में, और आप तीनों को ना ऐसे सेट करना कि आपको जहाँ पे आपका कवर है पीछे कोई ना हो, बस आगे आगे से आपको गोली ना पड़े इस चीज़ पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, थैंक यू आपने मेरा ये गेम देखा। और अब मैं सोलो हैंग पुश तो नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं करूँगा तो उसकी वीडियो बना दूंगा, नहीं करूँगा तो अगले वीक से रोज़ डेली यानी कि मोंटाजेस आना चालू हो जाएंगे। थैंक यू।